हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हाउ टू डाउनलोड आर इन योर पीसी लैपटॉप। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर खोल लो, आपकी जो भी मर्जी हो, ब्रेव, क्रोम, एक्सेल, सॉरी एज वगैरह जो भी आप वो खोल लो। सबसे पहले हम उसके सर्च बार में लिखेंगे डाउनलोड आर स्टूडियो, डाउनलोड आर स्टूडियो। सर्च करा तो सबसे पहले लिंक आएगी पोसेट की, आर डेस्कटॉप, आर स्टूडियो डेस्कटॉप, पोसेट। सबसे पहले आपको उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपके पास जब थोड़ा सा नीचे जाओगे आप, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे। पहला है इंस्टॉल आर, सेकंड है इंस्टॉल आर स्टूडियो। ओके, इंस्टॉल आर जो है वो आर जीयूआई है, जो हम नॉर्मली एक मतलब एक काइंड ऑफ एक ओल्डर वर्जन है जिसमें हम पहले यूज किया करते थे। आर स्टूडियो जो है वो उसका एक इंटरफेस है जो आर जीयूआई में वर्क करता है, बट एक बेटर फॉर्म में है, वो बेटर सलीके से दिखता है। उसमें सारी वैल्यू, सारे जो चीज है, हमारे एलिमेंट्स वगैरह अच्छे से सेग्रीगेटेड होते हैं, तो लाइक वी फाइंड इट ईजी टू use that software. Okay. So, सबसे पहले हमें इन दोनों को डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले हम इंस्टॉल आर करेंगे। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करा, यहाँ पे एक नई क्रैन की डायरेक्टरी खुलेगी। यहाँ पे इंस्टॉल क्रैन डायरेक्टरी, crayon.rstudio। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज पे आप जाओगे, मैक वैसे तो मैक वैसे। जैसे मेरा विंडोज है तो मैं जाऊँ विंडोज पे। तो पहले विंडोज पे क्लिक करा, उसने बोल रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तभी आप वीडियोज देख रहे हो, ऑब्वियस ही बात है। तो इंस्टॉल आर फॉर फर्स्ट टाइम, ओके, देन यू क्लिक हियर बैक अगेन। अभी क्या होगा, एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंस मैं इसको पॉज कर रहा हूँ कि मैं डाउनलोड कर रखा, मैं दोबारा नहीं कर रहा उस चीज को, डाउनलोड कर रखा, ये हो गई मेरी डाउनलोड। ओके, फिर सेकंड उसके बाद ये इंस्टॉल आर स्टूडियो, इस पर क्लिक कर हमें ये भी ऑटोमेटिक मेरी डाउनलोड होने लगी है। ओके, ये भी मैंने कर रखा है इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ इस चीज को। इसके बाद जो मेरी आर थी वो ये वाली है, जो स्टेप वन था मेरा। सेकंड स्टेप जो आर स्टूडियो था वो ये वाला आर स्टूडियो, और ये है आर। सबसे पहले इसको करना था तो मैंने इसको डबल क्लिक करा, एक्सेप्ट इंग्लिश ऑफ कोर्स, ये इनके लाइसेंस वगैरह है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट नेक्स्ट। आपको कहीं कहीं पे भी फाइल सेव करनी हो वो वाला पार्ट है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, बट बेटर रहेगा आप अगर डिफॉल्ट पे छोड़ दो तो सही रहेगा। क्योंकि देखो आपको दोनों चीजों को ना, ये आर को, इस वाले आर को और इस आर स्टूडियो को एक ही फाइल में सेव करनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक सेव ले लेगा एक ही फाइल में। आप अगर चेंज करते हो तो आपको याद रखना होगा कि आपको उसको भी चेंज करना होगा, आर स्टूडियो को सेम फाइल में डालनी होगी, क्योंकि एक स्किन है काइंड ऑफ, ये इसके ऊपर ये आर पे ही ओवरलैप करके यूज होती है। तो मैं उसको डिफॉल्ट में छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट। क्योंकि हमें को सारी फाइल्स चाहिए 64 बिट की है, मोस्टली लैपटॉप से कंप्यूटर 64 बिट पे भी काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर हाँ, मेरे को डिफॉल्ट में चाहिए, कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी उस चीज में, तो डिफॉल्ट किस नाम से चाहिए, तो हाँ आर, ओके, ठीक है। अब ये आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, डेस्कटॉप शॉर्टकट, क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट, सेव वर्जन नंबर, ये आप रहने देना, यस रहने देना, इन दोनों में से आपकी मर्जी, आप सिलेक्ट ना करो करो आपकी मर्जी। अगर ये अनसेलेक्ट कर दोगे तो एक शॉर्टकट जो है वो नहीं बनेगा आपके वो उस पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, हटा क्लिक कर लोगे तो बन जाएगा, आपकी मर्जी। जैसे मुझे नहीं बनाना, मैं हटा दे रहा। ओके, फिर नेक्स्ट। अभी एक्सट्रैक्टिंग फाइल, जो भी फाइल है वो सेव एक्सट्रैक्ट कर रही है वो। ओके, जैसे आप देख सकते हो हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है, हमारा आर जीवाई इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं क्या करना है, फिनिश, डन, इसका काम हो चुका है। अभी दूसरा क्या, ये आर स्टूडियो मैंने पहले आर कर लिया, अब आर स्टूडियो के बारे में। आर स्टूडियो डबल टैप, यस, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। वापस से देखो अपने आप वो ऑटोमेटिक उस जगह पे फाइल वो क्रिएट कर लेगी और ऑटोमेटिक सेम लोकेशन ले लेगी। अगर आप चेंज करते हो उसमें तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ब्राउज में जाकर। नेक्स्ट, हाँ जी, आर स्टूडियो के नाम पे चाहिए मेरे को, नेक्स्ट। अभी भी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये कंप्लीट हो जाने देंगे पूरा हम। तो एज यू कैन सी हमारी वी भी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें इस पे फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन, उसकी वो शॉर्टकट बनाने को मना करता तो उसने नहीं बनाया, तो मैं जाऊंगा विंडोज सर्च पे, वहां डालूंगा मैं आर स्टूडियो, आ गया मेरे पास। जैसे ही मैंने क्लिक करा तब ये ओपन हो जाएगा।
एक टूल है मेरे पास आर। अभी ये सारे इंटरफेसेस वगैरह क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा इंटरफेस क्या डिनोट करता है, ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप इट वॉज वेरी क्लियर टू यू। और हाँ, सिर्फ मैक पे ध्यान देना है, जो मैक वाले हैं वो वहाँ मैक पे जाएंगे, बाकी स्टेप सारे सेम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।